खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से शासन की योजनाओं की जानकारी ले रहे थे। इस दौरान चंद्रिका नामक एक महिला ने मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिया कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों के साथ ही वहां पर स्कूली छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनने चाहिए, ताकि दूर दराज से आने वाले बच्चों को रहने के लिए जगह मिल जाए। अगर हॉस्टल नहीं बन सकता तो स्कूल बस का इंतजाम कर दीजिए। जिसके बाद सीएम ने महिला के सुझाव की सराहना की और जल्द ही सुझाव को अमल में लाने का आदेश दिया। शिक्षा के स्तर सुधरे इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अभी हमारी बहन ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि बहुत दूर पड़ता है, बच्चे आने में आसानी होती है, ऐसे में या तो बस चले या फिर यहाँ आश्रम में छात्रावास हो। बहुत बढ़िया सुझाव है। मैंने अधिकारियों से पहले ही कहा कि जहाँ जहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था जरूर करें, अगले बजट में उसको डालेंगे ताकि आने वाले समय में उसकी पढ़ाई हो सके। लेकिन तत्काल में कुछ नौजवान लोगों को मिनी बस वगैरह फाइनेंस करा दें, पढ़ाई तो निःशुल्क हो रही है, आने जाने के खर्चे कम से कम आप दे देंगे तो बस चले तो आपके बच्चों को पढ़ाई नुकसान नहीं होगा, नहीं धर्म पालक को आना पड़ता है। तो ऐसे कुछ रूट तय कर लें और बैंक फाइनेंस करा दें, उतना खर्चा तो उठा लेंगे।